होता है DU का, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का, कि सर आप कार्बन ले लीजिए, इसमें प्लस वन कर लीजिए जितने भी कार्बन हैं, उसके बाद हाइड्रोजन और अगर हैलोजन है तो उसको ऐड कर दीजिए, नाइट्रोजन है तो माइनस कर दीजिए, और उसका जो है आप टू से डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो आप कैलकुलेशंस करके, या माइनस होगा सॉरी, सी प्लस वन और ये माइनस, तो उसके बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपकी DU होगी। वो वैल्यू हमारी क्या होगी बच्चों? DU होगी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगी। अब इस वैल्यू से हमें क्या क्या पता चलने वाला है? अगर DU की वैल्यू जीरो है, क्या है, जीरो आ रही है, तो इसका मतलब हमारा जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है। जनरली क्या होगा हमारा? सैचुरेटेड होगा, उसमें हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जनरली नहीं होंगे, वो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होगा। ठीक, अगर DU की वैल्यू वन आ गई, वन का मतलब है रिंग वाला स्ट्रक्चर हो सकता है, आप उसकी रिंग बिना टेंशन के बना दो। ठीक, उसके बाद अगर DU की वैल्यू वन आ गई, तो वन का मतलब है कि उसमें एक पाई बॉन्ड होगा, यानी कि हम कह सकते हैं एक डबल बॉन्ड वहां पर होगा। तो वन के लिए रिंग भी हो सकती है, वन के लिए डबल बॉन्ड भी हो सकता है, सही बात। फिर उसके बाद अगर DU की वैल्यू टू आ जाती है, तो यानी वहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, या आप कह सकते हो कि DU की वैल्यू सर टू है, तो टू से हमें क्या पता चला, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड, क्या है, वन रिंग प्लस वन डबल बॉन्ड, DB लिखे देने शॉर्ट में। तो DU की वैल्यू से हमें ये आइडिया लगता है। ठीक, तो अब DU के कुछ सवाल हम लोग करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाएंगे कि इन सवालों से सवाल बनते कैसे हैं। DU की वैल्यूज आपको ये तो अच्छे से लिखना पड़ेगा।